हेलो गाइस, वेट यार, इसको सेट कर लेते हैं यार। के हेलो सॉरी यार, काफ़ी डिस्टरबेंस हो रहा है। सॉरी 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 हाँ, क्योंकि भाई ये सेट करने मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा है कि ऐसा कुछ सेट करते हैं ताकि आपको आराम से देखने को मिल जाए। आई थिंक अब ठीक है यार। ओके हेलो, हाय ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। भाई अभी मैं हूँ नागालैंड में और आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ। अभी भी हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है यार। मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे अच्छा फेस्टिवल, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। मतलब यहाँ पे आप पूरे ट्राइबल एरिया का कैसे रहते हैं, क्या उनका कल्चर है, कैसे खाते, मतलब एवरीथिंग यार, उनका पहनावा वगैरह आप सब कुछ जान सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट फेस्टिवल है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। साल में एक बार ही होता है, ओनली सिर्फ नागालैंड के अंदर वो भी। तो अभी वही अटेंड करने के लिए हम आए और यहाँ पे भाई एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। आप देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये भाई हमारा टेंट है, कैंप पे रहता है भाई काफ़ी दिन हो गए। और ये आप देख सकते हो खूबसूरत सा नज़ारा है, ये देख लो। ये यहाँ पे भाई मैं, आज मेरे को हो गए 5 दिन, तो टुडे इज़ माई 5th डे। 5 दिन से भाई मैं इसी जन्नत जैसी जगह में, आई मीन प्रकृति की गोद में रह रहा हूँ। सो आई होप, तो आप समझ सकते हैं कि यार कितने एंजॉय आ रहे हैं इस नॉर्थ ईस्ट ट्रिप पे। बहुत टाइम हो गया था मैंने आपसे बातचीत नहीं की, तो सोचा यार चलो बातचीत करते हैं। हेलो नमस्ते भाई, प्रिंस शर्मा, लव फ्रॉम आगरा। थैंक यू भाई। भाई फिलीपींस कब जा रहे हो वापस? फिलीपींस अभी कहाँ है यार, फिलीपींस तो अभी बंद है वैसे, ओपन भी नहीं हुआ है ना, तो कोई जाने का होता ही नहीं है। और बताओ आप सब कैसे हो? संतोष शर्मा, हेलो भाई। पहले एक बार कमेंट पढ़ देते हैं लोगों के, और आप सब जो भी ज्वाइन कर रहे हो उन सबको शुक्रिया यार। प्रिंस शर्मा, हेलो सर, आई लव यू टू बो। यात्री कैनेडी का कैसे हो? राहुल भाई, या कैंपिंग के मज़े ले रहे हैं। एस आर के एन वर्ल्ड, हेलो भाई, हेलो 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 ब्रदर। चलो यार आप जुड़ते रहिए हमसे और हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। आज टाइम निकाल के, मतलब मैं पहले गया था वहाँ पे, शूट वूट करके आया हॉर्नबिल फेस्टिवल। आप स्टोरी भी देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो वो स्टोरी लास्ट डाल के तो थोड़ा शूट करके फिर मैं आ गया यहाँ पर, क्योंकि 4 बजे का टाइम था ना, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि भागते हुए आया हूँ यार। क्योंकि होता है ना कि लेट हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, आप सब भी वेट कर रहे होंगे। हालांकि कम लोग हैं, ज़्यादा तो नहीं है, पर जितने भी है यार, आई लव यू भाई, आई लव यू ऑल ऑफ यू। बंसी शर्मा, हेलो हेलो ब्रदर। तो यार मैंने कहा बात कर लेते हैं आपसे, काफ़ी टाइम हो गया, कुछ डिस्कस वगैरह भी कर लेते हैं। आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो वो भी अटेंड कर लेंगे, वो भी आपको जवाब दे देंगे। अमित, ब्यूटीफुल प्लेस, लव लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम न्यू दिल्ली। ओके ब्रदर, लव यू टू। या प्लेस बहुत शानदार है यार, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था यार ऐसे प्लेस पर, मतलब मैं कैंपिंग करूँगा। आई रियली नेवर इमेजिन। स्पीक लाउड। ओके यार, आवाज़ क्या है ना उधर, देखो बहुत ज़्यादा आवाज़ चल रही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है तो वहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, इसी वजह से देसी आवारा। हेलो पंकू भाई, हेलो भाई कैसे हो? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा भाई ज़ोर से बोलूँगा मैं, और अगर ऐसा हो तो अंदर ले लें, नहीं अंदर मज़ा नहीं आएगा ना, लाइटिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा। माइक्रोफोन ही यूज़ कर रहा हूँ भाई, ये देखो ये माइक्रोफोन ही है, लेकिन आवाज़ मज़ा नहीं आ रहा यार आवाज़ में, क्या कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ी कम हो। ईयरफोन यूज़ करूँ क्या एक बार? लेट्स सी, ईयरफोन यूज़ करके देखते हैं क्या रेस्पॉन्स मिलता है ईयरफोन से। पता नहीं ईयरफोन का अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, देख लेते हैं भाई, ट्राई कर लेते हैं एक बार, है ना। ईयरफोन भी ट्राई कर लेते हैं अगर आप कहते हो तो। और बताओ नॉर्थ ईस्ट के सीरीज़ वगैरह आपने देखी कि नहीं देखी? त्रिपुरा के व्लॉग्स देखे? व्यूज़ तो बड़े कम आ रहे हैं यार उसमें, सोचा नहीं था मैंने कि इतने कम व्यूज़ आएंगे मेरे नॉर्थ
चौथी सीरीज पे, बट कोई नहीं, लेट्स सी। हटाऊं इसको मैं एक बार, ये ईयरफोन एक बार यूज़ करके देखता हूँ, ठीक है? आप मुझे बताना भाई लोग कि कैसा रेस्पॉन्स है। ठीक है भैया, इसको हटा दिया, लेट्स सी नाउ इसमें कैसी आवाज़ आती है, मुझे ज़रूर बताना आप सब। सॉरी यार, बने रहे भाई, हाँ मुझे कंफर्म करना कैसी आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो भाई, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही पहले ये बताओ आप। अब आ रही है ना, अच्छी एकदम से साफ क्लियर। चलो फिर ठीक है यार, आवाज़ अच्छे से आनी चाहिए ना। बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है सर। ओके ओके ओके, फिर ठीक है यार, आपको अब बढ़िया लग रहा है ना। चलो मज़ा आ गया, और बताएं। ओके 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 भाई, समझ गया, गॉट इट। इसको अभी अंदर रख देते हैं। पहले मुझे एक बार ये बताओ, आप में से कौन कौन है जो कैंपिंग कर चुका है? किस किस को कैंपिंग मतलब पसंद है, या कर चुके हैं कभी आप ट्रैवल में, या कभी भी लाइफ में? मणिपुर आएंगे भाई, मणिपुर भी आएंगे, बाद में आएंगे। राम राम भाई, प्रवीण भाई, कैंपिंग का एक्सपीरियंस क्या आपने लिया है, मुझे जवाब दीजिए। क्योंकि भाई कैंपिंग रियली यार बहुत मज़ा आता है कैंपिंग में, सच बता रहा हूँ आपको। कभी ना कभी लाइफ में कैंपिंग ज़रूर करना चाहिए। यू हैड विजिटेड नेपाल, कैन यू टॉक नेपाल लिटिल बेस्ट? के नेपाल तो यार अब एक बार आ गए, लेट्स सी। लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू भाई। नेपाल से मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स है जो भाई लोग अपने नेपाल से हैं। ठंडा भाई देख लो ना यार, हैंड ग्लव्स वगैरह है, ये टी शर्ट, उसके ऊपर ये भाई, और ये स्लीपिंग बैग वगैरह। बहुत ठंडा है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी कहाँ हूँ, नागालैंड में। यस, अभी राइट नाउ आई एम इन नागालैंड, कोहिमा। कोहिमा में हूँ, कोहिमा एक्चुअली किसामा, नागा हेरिटेज विलेज है किसामा, वहाँ पे हो रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल। सो आई एम देयर टुडे। सर आगरा कब आओगे? आएंगे भाई कभी ना कभी। आई एम नॉट लकी लाइक यू भाई, इसमें लकी की क्या बात है यार। आप अगर कुछ चाहते हो, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, यू कैन ट्रैवलिंग, नो प्रॉब्लम। बस नॉलेज लो और निकल पड़ो, है कि नहीं? नॉलेज लोगे तो सब घूम पाओगे यार, इसमें लक की बात नहीं होती है। इसमें ये होता है कि आप कितना कोशिश करते हो जो आप चाहते हो वो पाने के लिए। वेलकम इन मुंबई, ज़रूर ज़रूर मुंबई आएंगे जब मिलेंगे भाई। हाउ मच एक्सपेंसिव नेपाल? नेपाल इज़ नॉट मच एक्सपेंसिव यार, नेपाल ठीक है, सही है। राजा राज आपका वीडियो बहुत देखते हैं, बहुत अच्छा होता है। थैंक यू भाई, थैंक यू यार, आपका सपोर्ट ही तो चाहिए। आपके सपोर्ट के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चलो घूमते रहें, और बस ठीक है यार, अपना एक्सपीरियंस दिखा सकें, और कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो दे सकें आपको, और बाकी ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो यार ये मेरी खुशनसीब भी है, और आपकी जितनी हो सकता है कोशिश करता हूँ कि आपकी हेल्प करूँ। और इंडिया में अभी घूम रहा हूँ, इंडिया में भाई आप सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट इज़ माई फर्स्ट लव, और नॉर्थ ईस्ट के इस बार पूरे 7 स्टेट हम कवर करने वाले हैं। एक्सपीरियंस के लिए ही तुम्हारा चैनल और तुमको देखते हैं भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो त्रिपुरा सीरीज़ किस किसने देखी मुझे ये बताओ यार। त्रिपुरा सीरीज़ में बहुत कम व्यूज़ आए हैं मुझे, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों इतने कम व्यूज़ आए हैं। लास्ट टाइम मेरी मणिपुर सीरीज़ पे अच्छे व्यूज़ आए थे मुझे पता है। उसके बाद हाँ मैंने इंडोनेशिया सीरीज़ डाली, वो थोड़ी पुरानी थी भाई, 2 साल पहले की, उस पर उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला। पता है रीज़न क्यों? रीज़न ये है कि भाई उसमें उस समय मेरा कैमरा जो था वो बिल्कुल सस्ता वाला कैमरा था, उसके अलावा मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और वो ट्रिप भी थोड़ा अलग टाइप का था, तो यार इस वजह से हो सकता है, मान सकता हूँ कि चलो उस पर रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट तो यार आप सब लोग जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट के व्लॉग्स भी बहुत कम आते हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर किया है। और मैं एक्सप्लोर इस बार जिस तरह कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, मैं हिचहाइकिंग कर रहा हूँ, लाइफ में पहली बार हिचहाइकिंग किया यार मैंने, और इतना नेक्स्ट लेवल, मतलब पूछो मत यार, बहुत तगड़ा वाला एक्सपीरियंस मिला है मुझे हिचहाइकिंग में। मतलब इतना पूरा देखा भाई त्रिपुरा सीरीज़, थैंक यू भाई। त्रिपुरा सीरीज़ को प्लीज़ यार लव दो आप, होगा क्या आप त्रिपुरा सीरीज़ देखोगे तो उससे वीडियो भी रिकमेंडेशन में जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाएंगे, और इस तरह मेरे से अटैचमेंट भी हो पाएगा लोगों का, और नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो भी चलती रहेगी। देखो यार व्यूज़ भी आना चाहिए ना, हम इतनी मेहनत करके वीडियोज़ भी बनाते हैं। अभी फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने किया है कि मैं वीडियोज़ भी बना रहा हूँ
और भाई मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ, मतलब अपलोड भी कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। ट्रैवल भी कर रहा हूँ, एडिटिंग भी, कैंप में भाई टेंट में बैठ के रात मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है कई बार दिन में, और वीडियोस कोशिश करता हूँ कि वीडियोस आता रहे। हमेशा क्या करता था, शूट करके आ जाता था, घर पे बैठ के एडिटिंग करता था। अभी चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि अभी अपने पास कंटेंट ही नहीं है, अपने पास वीडियोस ख़त्म हो गए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको फ्रेश कंटेंट दिखाऊँ, जैसे मैं घूम रहा हूँ वो सब कुछ। और अभी एक मेरा सवाल है कि अभी आप त्रिपुरा सीरीज़ मैंने ख़त्म की है, मतलब त्रिपुरा सीरीज़ के मेरे 4 या 5 व्लॉग आए हैं 5 वीडियो के बाद, अब आप क्या चाहते हैं, त्रिपुरा सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, या फिर राइट नाउ आई एम इन नागालैंड सो मैं नागालैंड की सीरीज़ शुरू करूं? ये मुझे एक थोड़ा सा आप हिंट दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं, तो आपकी चॉइस के हिसाब से भी मैं करूंगा। देखो, नागालैंड का अभी जो फेस्टिवल चल रहा है इज़ द बेस्ट फेस्टिवल इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना? और बहुत यार कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हर तरीके का, तो मैं चाहता हूँ कि नागालैंड सीरीज़ को पहले मैं अपलोड करूँ, और मतलब त्रिपुरा और आसाम सीरीज़ को स्किप करूँ कुछ वक्त के लिए, और नागालैंड से स्टार्ट करूँ, ताकि आप लोग ना नागालैंड को मतलब फ्रेश बिल्कुल कंटेंट ऐसा होगा कि मतलब आज मैंने शूट किया है और शायद कल मैं परसों मैं आपको मैं वो वीडियोस दे सकूँ। तो इस तरीके से आप बताइए आपकी चॉइस क्या है। अब मैं पढ़ता हूँ कमेंट, आप क्या क्या कह रहे हो। ओके, आई थिंक आई एम ओनली वन हु यूज्ड वॉच योर वीडियोज़ अगेन एंड अगेन एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू ब्रदर यार। प्रिंस शर्मा कह रहे हैं, सर मैं बहुत से ट्रैवलर्स को देखा है, रिप्लाई नहीं देते। कोई नहीं यार, हम बिज़ी होते हैं तो नहीं दे पाते लोग, लेकिन फ्री होते तो दे देते हैं। ट्रैवल कम्युनिटी बहुत अच्छी होती है। उसे नागालैंड एंड इम्फाल का शुरू करो, लेटेस्ट वीडियोस डाला करें। बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट ही आएगा। नागालैंड में कोई गड़बड़ गड़बड़ है के भाई? नागालैंड का तो अभी मैं बताऊंगा, अभी पॉइंट पे आने वाला हूँ भाई। तुमको जाना है, जहाँ जाओ आई लव टू फॉलो यू। थैंक यू भाई। वॉन्डरिंग क्रिश्चिना, ब्यूटीफुल प्लेस, वॉचिंग फ्रॉम जापान। या थैंक यू माई फ्रेंड। मैं भी वहाँ है, मिले क्या? नागालैंड का करो भाई, नागालैंड एंड मणिपुर के शुरू करो। ओके भाई, नागालैंड का शुरू करूँ, मेरा भी मन वही है कि नागालैंड करूँ, ताकि आप इस फेस्टिवल को जल्दी से जल्दी देख पाओ, और जिस तरीके से हमारी जो जर्नी है, मच्छर बड़े हैं यार, यार आज मच्छर कुछ ज़्यादा ही आ गए। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि नागालैंड के ब्लॉग अभी अपलोड करूँ, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप देखें, और उसके बाद जो जर्नी होगी वो कंटिन्यू आप देखते रहिए। और इससे पहले जो त्रिपुरा में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और भाई कुछ कुछ जगह बहुत बुरा भी था, तो वो सब भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे वो जब त्रिपुरा के व्लॉग आएंगे और आसाम के व्लॉग आएंगे। तो आसाम के व्लॉग्स भी आने बाकी है ना भाई? तो आपको ज़रूर ज़रूर हम शेयर करेंगे, तो वो बाद में कर देंगे, अभी नागालैंड के आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स। और नागालैंड के हिसाब से आज एक थोड़ी सी यार बुरी खबर आई है कि कल रात को, मतलब मौन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे नागालैंड में, वहाँ पे भाई फायरिंग में करीब 12 लोग मारे गए हैं, सिविलियंस जो थे उस गांव के लोग। तो भाई माहौल थोड़ा सा यहाँ पे ना अभी गड़बड़ हो रखा है, क्योंकि 12 जो सिविलियंस थे वो मारे गए। उस क्या रीज़न है क्या नहीं है वो तो भाई अभी उतना न्यूज़ वगैरह भी उतना आया नहीं है, तो इस वजह से अभी इस बारे में मैं खुल के तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 12 लोग मर गए हैं, और बहुत ही मतलब शोक वाला माहौल थोड़ा चल रहा है इधर उस तरफ। मौन डिस्ट्रिक्ट है, मौन डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार को, तो उस तरफ कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई है कि इंडियन आर्मी के द्वारा ये सब हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे भी थोड़ा हॉर्नबिल फेस्टिवल में भी अब थोड़ा सा भाई इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि यहाँ जो विलेज के जो ट्राइब्स वगैरह थे, उन ट्राइब्स ने, सारे ट्राइब्स ने अपना जो बंद कर दिया, मतलब वो उन्होंने अभी आज मीटिंग भी है उनकी, तो वो जो भी लोग मारे गए उनके लिए मतलब वो प्रे वगैरह करेंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए, मतलब आप यहाँ पे कॉन्डोलेंस भी होगा, इस तरीके से मीटिंग होगी। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं भी जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि यार देखो इंसान कोई भी यार मरता है, इट्स रियली रियली ये बहुत दुख की बात है यार, कि ऐसा अगर कुछ होता है तो किसी के भी साथ हो, बहुत दुख की बात है ये। तो यार थोड़ा सा ये यहाँ पे अभी सीन हुआ है रात को, तो लेटेस्ट में भाई व्लॉग लेट क्यों भाई? व्लॉग लेट यार, एडिटिंग का टाइम नहीं होता है, शूटिंग भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए यार चलता है ना, इसीलिए जैसे। नासिक महाराष्ट्र से राम राम भाई जी, राम राम भैया।
तो यार कितना बढ़िया मौसम है, मतलब है ना। अच्छा, और नागालैंड का एक ही मैंने व्लॉग डाला है, वो व्लॉग भी नहीं कह सकते आप, व्लॉग नहीं है वो जो सेरेमनी थी, वो ट्राइब्स जो 14 ट्राइब्स थे नागालैंड के, वो दिखाए हैं, वो कैसे रहते हैं क्या है, तो वो सब कुछ दिखाया है। मज़ा कर दिया भाई विनोद जब। अरे भाई कैसा है भाई, सही है सब कुछ अपने घर के आसपास? और भाई पूछो कुछ, आपके क्वेश्चंस वगैरह है तो। हालांकि रैंडम लाइव आया हूँ मैं, इतना प्लान भी नहीं था मेरा लाइव आने का, पर ठीक है मन था आज के लाइव आ जाऊँ। यहाँ पे नेटवर्क भी ना थोड़ा अच्छा आता है, वरना तो यार नेटवर्क चला जाता है, यहाँ पे मुश्किल होती है थोड़ी नेटवर्क की, लेकिन हमारे कैंपिंग साइट पे नेटवर्क आता है एयरटेल का। मेरे पास एयरटेल की सिम भी है और उसकी सिम भी है, कौन सी, जियो की भी। जियो यहाँ पे इतना नहीं पकड़ता है, लेकिन एयरटेल आप ध्यान रखना, कभी भी नागालैंड या आते हो नॉर्थ ईस्ट, एयरटेल और जियो ये दो रखना बहुत ज़रूरी है। वोडाफोन यहाँ पे बहुत वीक है यार, वोडाफोन का आपको नेटवर्क नहीं मिल पाएगा। और अगर आप कोई भी भाई आना चाहते हैं, ज़रूर ज़रूर आप आएँ, नॉर्थ ईस्ट में आएँ, नागालैंड या फिर मणिपुर, अरुणाचल, भाई बहुत ही प्यारी जगह है यार, सब कुछ दिखाएंगे आपको। हाँ सब कुछ दिखाएंगे। जापान के व्लॉग कब आएंगे? जापान तो गए ही नहीं मैं, व्लॉग कैसे आएंगे यार? सराउंडिंग दिखाओ भाई कैसी है, दिखाई मैंने, चलो एक बार और फिर से दिखा देते हैं। ये देखो यार, ये पीछे का नज़ारा, जंगल है पूरा, ये कैंप वगैरह इधर टेंट वगैरह है, और भी दूसरे ट्रैवलर लोग हैं वो सब भी, इन्होंने यहाँ पे टेंट वगैरह लगाया है, और वहाँ पे भाई बहुत सारे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वाले से हमारी दोस्ती हो गई है, तो खूब टाइम पास करते रहते हैं। और वो देख सकते हैं आप नागा हेरिटेज विलेज, ऊपर पहाड़ पे लिखा है, और उस तरफ जाएंगे तो बहुत ही हैप्पी माहौल है यार, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में इस तरह का माहौल देखा है यार, तो सच में बहुत मज़ा आएगा। आप सबसे मतलब रिक्वेस्ट है मेरी कि कभी भी लाइफ में मौका मिले ना तो ज़रूर आना। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर को हर साल होता है, तो आप ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करना, मज़ा आ जाएगा आपको नागालैंड में। नागालैंड में बैठकर कहाँ जाने वाले हो? नागालैंड से फिर आगे जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश जाएंगे भाई। भाई कैंपिंग गेयर क्या क्या है वो भी बता दो यार, कैंपिंग का वैसे तो चलो बता देते हैं आपको अभी, अगर आप जानना चाहते हैं तो। देखो भाई एक तो चाहिएगा आपको स्लीपिंग बैग, दिस इज़ स्लीपिंग बैग, ठीक है ना, ये वाला आप स्लीपिंग बैग ले लेना, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। एक चाहिए भाई तकिया, ठीक है, उसके अलावा आपको चाहिए भाई ये इस तरह का बनाने के लिए हमारा कुकिंग सेटअप होता है। चलो रख देता हूँ फ़ोन और आप सबको दिखा देता हूँ, भाई ध्यान से देख लेना क्या क्या कैंपिंग का सेटअप है, क्योंकि इस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। ये है चूल्हा, 500 रुपये में आपको भाई अमेज़ोन या कहीं पर भी मिल जाएगा, और ये वाली आती है बूटेन गैस, ये भाई 100 से 150 रुपये में आपको मिल जाती है। तो ये बस इस तरीके यहाँ पे ऊपर रख दो, और ये अपना मैगी, ऑमलेट, चावल, सब्जी वगैरह सब कुछ बन जाता है। फिर हमारा भाई ये बर्तन का सेटअप है, इसमें भाई ये देखो ये बर्तन, ये इसमें हमारी मैगी बन जाती है, चावल बन जाते हैं, ऐसा है ठीक है ना, और एक में हमारा ऑमलेट बन जाता है, प्लेट्स है, मग है, तो कॉफ़ी वॉफ़ी बना के पीते हैं भाई, खूब मज़े करते हैं। चाकू भी है, ग्लास भी है भाई, सब कुछ रखना पड़ता है। फिर एक एक ऐसी टॉर्च ले सकते हो आप, ऐसी या फिर दूसरी, और भी काफ़ी सारी टॉर्च आती है। ये टॉर्च ना भाई एक आपको ये रखना है, हार्ट क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार, पावर बैंक, ठीक है ना, एक पावर बैंक लेना, फिर इसको पावर बैंक को इसके अंदर डाल देना भाई, ये हो गया आपका जुगाड़ लाइटिंग का। ये देखो ये लाइटिंग आ गई भाई, इसके अंदर रख दो बस, तो ये सस्ता जुगाड़ है, वरना और तो और भी कुछ होता है, बहुत सारी लाइटिंग आती है वो भी। एक और लाइट है मेरे पास दूसरी वाली, जिसमें बाहर जा सकते हैं या हर तरीके से, बाद में अभी नहीं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लाइटिंग तो खैर आपके ऊपर है, बाकी तो भाई पूरा सामान रखते हैं। फिर मैगी है, एक ये पाउडर होता है, पाउडर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एवरीडे का आता है ना पाउडर, यहाँ पे भाई दूध दूध नहीं मिलता है, दूध यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, गाय का दूध मिलता ही नहीं है, ये पाउडर है, इसका आप कॉफ़ी बना लो या फिर चाय बना लो, जो भी आप बनाना चाहो। बाकी भाई हमारे पास सारा सामान है, आलू है, प्याज है, मतलब लाइफ में ना सोचा नहीं था कभी यार कि इस तरह का एक्सपीरियंस मैं लूँगा, सच में नहीं सोचा था, और इसी तरह का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं। हालांकि मन मेरा हमेशा होता था पहले कि नहीं यार इस तरह का एक्सपीरियंस अपने को लेना है, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। इस बार मैंने कहा चलो करते हैं भाई कुछ अलग, कुछ हटके, अभी आपके पढ़ लेते हैं भाई। मेरे ख्याल से भाई सारा मैंने कवर कर लिया है। हाँ एक मैट, मैट ये मैट है यार, ये देख लो ये मैट, ठीक है ना, ऐसी एक मैट आएगी तो मैट भी ज़रूर लेना। मैट में क्या होगा, जो पत्थर वगैरह होते हैं ना नीचे, वो चुभेंगे नहीं आपको, नहीं तो भाई पत्थर वगैरह बहुत चुभेंगे, और कहीं भी आप जगह देख के अच्छे से आप
टेंट लगा दो, टेंट भाई 10 मिनट में टेंट लग जाता है अच्छे से, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब बहुत ईजी, बहुत आसानी से हो जाता है भाई। ILP का क्या सीन है? इज इट नेसेसरी? या ऑफ कोर्स दिस इज नेसेसरी यार, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए आपको ILP ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। और वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, 1-2 दिन पहले कर दो या फिर 10 दिन पहले कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है। और दीमापुर के लिए आपको ILP नहीं चाहिए, आप चाहो दीमापुर आ सकते हो, दीमापुर से वापस जाओगे तो कोई ILP की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप ऊपर जाते हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, कोहिमा है, मोकोकचोंग है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाओगे उसके लिए ILP ज़रूरी है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप दीमापुर आकर फुली वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वो उसके लिए फुली वैक्सीनेटेड होकर आओगे, कोई कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना ज़रूरत पड़ेगी। और ILP फिर आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। कैसे अप्लाई करोगे, क्या करोगे भाई, उसके लिए मेरा वीडियो बहुत जल्द आएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। मतलब आपको वो वीडियो देख लोगे ना तो भाई आपका सारे डाउट्स जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और इजीली आप बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टकट में आप ILP को अप्लाई कर सकते हो। एक ही ILP सारे स्टेट के लिए चल? नहीं भाई, नहीं नहीं, एक ही स्टेट के, हर स्टेट का भाई अलग अलग ILP होता है, अलग अलग उसका प्राइस होता है और अलग अलग डे के लिए होता है, ठीक है ना। सबके लिए एक नहीं चलेगा यार, ऐसा थोड़ी होगा। इसलिए पूछ रहे हैं जापान की ट्रिप कब आओगे? जापान तो यार लेट्स सी कब आते हैं। आई एम वॉचिंग फ्रॉम उदोई थानी थाईलैंड। ओके दैट्स ग्रेट, यू वॉचिंग फ्रॉम थाईलैंड। आपके साथ एक और दूसरा भाई है, वो कहाँ है, उन्हें भी दिखाओ। कहाँ है भाई? वो भाई अभी अंदर घुसा हुआ है वो। भाई आ जा एक बार, दिखा दे तेरी शक्ल भाई। मणिपुर कब जाओगे? हाँ हाँ, एक शक्ल दिखा दे, हाय कर दे, ये देख लो भाई। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सब फाइन है, सब बढ़िया, मजे में यार। भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, 15 दिन हो गए भाई के साथ ट्रैवलिंग करके, काफी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस भी अच्छे अच्छे हुए, मजा आया भाई। कुछ सीखने को भी मिला, कुछ सिखाने को भी मिला, अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है, लगे रहो आप। भाई वीडियो देखना, वीडियो में मजा आएंगे आपको यार, नेक्स्ट लेवल वीडियो बन रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला है, मैं बता नहीं सकता। ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसी ऐसी हमारी वाट लगी है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने भी भाई सोचा नहीं था, बड़ी मुश्किल से आए हैं वापस, समझ लो ये। हॉर्नबिल देखने गया था क्या? हाँ हॉर्नबिल भाई शूट वूट करके आए हम, अच्छे से हॉर्नबिल को शूट किया हमने, और आपको अच्छे से हॉर्नबिल दिखा देंगे। व्हाट इज दैट कंसिस्ट, दोनों महीने में हम लोग अप्लाई करें, और कुछ रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है यार, मस्ती से आओ, आपको दिक्कत नहीं है। दादा कम टू वेस्ट बंगाल, आई विल होस्ट यू, प्लीज़ कम। ओके वेस्ट बंगाल का तो भाई अभी कोई प्लान नहीं है, लेट्स सी व्हाट सी व्हाट विल इन फ्यूचर। सो कितना टाइम हो गया भाई? अभी हो गया है टाइम 23 मिनट हुए हैं, ठीक है यार, सही है भाई। तो यार नागालैंड अगर आते हो या नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी आते हो तो भाई स्पेशली नागालैंड, जैसे कोहिमा है ना, ये भाई है हिल स्टेशन, तो हिल स्टेशन में आपको कपड़े वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज़ भाई इतनी ठंड नहीं है। मैं इतना बोझ डाल के लाया हूँ ना, 21 किलो मेरा वज़न है, 21 किलो मेरे बैग का वज़न है भाई, कमर दुखने लग जाती है यार, हालत ख़राब हो जाती है हमारी। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। लव यू पंकू, व्हेन आर यू कमिंग बैक टू मलेशिया? मलेशिया आई विल मलेशिया, आई डोंट नो व्हेन आई विल कम, बट मलेशिया व्लॉग विल कम वेरी सून, नॉट वेरी सून, आफ्टर मे बी आफ्टर नॉर्थ ईस्ट ट्रिप। गुड टू सी यू ब्रदर, अर्पण हियर। ओ अर्पण ब्रो, हाउ आर यू ब्रदर? व्हाट इज़ द बेस्ट मंथ नेपाल जाने के लिए, प्लीज़ टेल मी। बेस्ट मंथ नेपाल जाने के लिए, तो यार नेपाल में आप कभी भी जा सकते हो, ऐसा बेस्ट वाला सीन नहीं है वहाँ पे, कभी भी जाओ आप, नेपाल हैपनिंग प्लेस है और वहाँ पे ठीक है। हालांकि सर्दी में जाओगे तो थोड़ा ठीक है, वहाँ पे अच्छा लगेगा आपको, हालांकि वहाँ नॉर्मल वेदर रहता है। ब्रो एक्सेप्ट माय दीमापुर इनविटेशन व्हाइल यू रिटर्न। या श्योरली श्योरली श्योरली, व्हेन आई कम इन दीमापुर आई विल ट्राई टू मीट यू। सो गाइस, आज मेरा लाइव आने का मकसद तो यही था कि आपसे बातें करें, आपसे चिटचैट करें, और दूसरा एक ये भी था यार कि वीडियोस पे उतने व्यूज़ नहीं आ रहे, फ्रेंकली बताऊं यार मैं, मतलब एक मोटिवेशन मिलता है ना यार व्यूज़ जब आते हैं, तो अभी उतने व्यूज़ नहीं आ रहे। मैं नहीं जानता क्या हुआ, यूट्यूब का एल्गोरिदम में कुछ हुआ है, मैंने क्योंकि ब्रेक भी लिया था भाई, 15 दिन का ब्रेक लिया है मैंने, तो हो सकता है उस हिसाब से भी रीच मेरी कम हो गई है थोड़ी,
या फिर वीडियोस आपको उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं, जो भी सीन है यार आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो आप कुछ भी यार मुझे सजेशन भी दे सकते हो एनी एनी टाइम, बट आपका प्यार और सपोर्ट भाई वो बनाए रखो, क्योंकि मैं जानता हूँ यार जब सपोर्ट मिलता है ना मन करता है यार फिर ट्रैवलिंग करने का, व्यूज़ भी आते रहते हैं, वीडियोस भी मैं फास्ट अपलोड करता हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना भाई, व्यूज़ आए मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आने चाहिए, है ना, आना चाहिए यार, नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस दूंगा मैं, सच बता रहा हूँ मैं बहुत इस तरीके से। और इस बार बिल्कुल सस्ता प्लान है मेरा, बिल्कुल सस्ते में घूम रहा हूँ, मेरा खर्चा आप मानोगे नहीं यार, बहुत ही कुछ खर्चा होता ही नहीं है समझ लो आप, तो ये पहली बार है, वरना तो मैं हर बार जाता हूँ होटल में रहता हूँ, फ्लाइट में घूमता हूँ, तो मेरा खर्चा वगैरह काफ़ी हो जाता है, लेकिन दिस टाइम भाई कुछ खर्चा नहीं है, इतने इतने ऐसे ऐसे आइडिया हैं कि आप समझो बिल्कुल सस्ते में हो रहा है, क्योंकि लंबा प्लान भी है ना यार, करीब 2 महीने तक मेरे को घूमना है, मिशन है मेरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, 7 स्टेट्स को पूरा करना है, 7 सिस्टर्स जो है उनको एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करना है, और दूसरा जो ब्रदर है भाई जिसको बोलते हैं सिक्किम, सिक्किम को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, उसके व्लॉग्स पड़े हैं, आप उसके व्लॉग्स देखो आप सिक्किम के, और मणिपुर के भी व्लॉग्स आप देख सकते हैं अच्छे से, लेकिन मणिपुर मैं सोच रहा हूँ मणिपुर वापस भी मैं जाऊँगा, और वहाँ पे मेरे रिलेटिव भी है उनसे भी मुझे मिलना है। सही है यार, वैसे इंटरनेट स्पीड सही आ रही है भाई, है ना, वरना तो दिक्कत होती थी। कौन सा फेस्टिवल पर जाना बेस्ट रहेगा भाई? नेपाल, नेपाल में तो फेस्टिवल यार मेरे को उतना भाई नॉलेज नहीं है कि नेपाल में कौन सा फेस्टिवल, कोहिमा में क्या क्या है घूमने के लिए? कोहिमा में तो यार बहुत ब्यूटीफुल है कोहिमा, है ना, कोहिमा के आसपास छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे अच्छे विलेज हैं, वहाँ पे आप घूम सकते हैं, आप किसामा विलेज आ सकते हैं, आप जखामा विलेज आ सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे विलेज है यार। नो नोटिफिकेशन, आई सब्सक्राइब लॉन्ग अगो, ओ वाई नो नोटिफिकेशन आई, तो ये होता है यार कई बार हम वीडियो अपलोड नहीं करते तो यूट्यूब है ना उतने नोटिफिकेशन भी लोगों को नहीं भेजता है, तो ये सीन भी होता है, तो भाई प्लीज़ आप सबसे माई हम्बल रिक्वेस्ट कि यार एक बार है ना मेरी प्लेलिस्ट को चेक करो, और प्लेलिस्ट से मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो सीरीज़ है शुरू से त्रिपुरा वाली पूरी सीरीज़ देखिए आप, और उसके बाद मैं नागालैंड के व्लॉग डालूंगा, नागालैंड की पूरी सीरीज़ देखना, आपको खूब मज़ा आएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा पूरा हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसा यहाँ चल रहा है ना भाई वैसा मैं आपको दिखा दूँ, तो आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आओगे तो भाई नेक्स्ट ईयर आना पड़ेगा, तो दिस ईयर आपको हॉर्नबिल मैं पूरा अच्छे से दिखा दूंगा आपको, प्लीज़ यार आप सपोर्ट दीजिए, वीडियोज़ को आप देखिए जितना हो सके, व्हाट्सएप पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरी जो स्टोरी होती है उसका भाई स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी स्टोरी में मेंशन करें मुझे, और मैं उस स्टोरी को अपने अपने इंस्टाग्राम पे भी मेंशन करूंगा, तो ये चीज़ भी करें यार, ताकि एक बार ना वापस अपन लाइन में आ जाए, तो यार है जो है बात, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ यार, मिलना चाहिए, मतलब प्यार आपका मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा ना, तो मुझे भी थोड़ा हौसला मिलेगा, और फटाफट फटाफट से भाई मैं वीडियोस भी डालता रहूँगा। आई एम डूइंग जॉब नाउ बट आई वॉच यू बिकॉज आई लव यू सर, आई लव यू ब्रदर, यार आप जैसे जो भाई लोग हैं ना इनकी वजह से ही यार मेरे को अच्छा लगता है ना। होटल मिलेगा किसामा विलेज में भाई? किसामा में आपको होटल तो नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, लेकिन आपको यहाँ पर टेंट मिलेंगे, ठीक है, कैंपिंग, कैंपिंग यहाँ मिल जाएगी आपको, क्योंकि होटल किसामा में नहीं है, होटल के लिए आपको कोहिमा जाना पड़ेगा जो करीब 8 किलोमीटर दूर है। एंड मणिपुर में कहाँ है आपका रिलेटिव भाई? भाई मणिपुर में मेरा थोंगलोंग विलेज में रिलेटिव है, जो वीडियोस भी है मैंने बनाए ऑलरेडी, और वीडियोस भी बहुत अच्छे खासे चले हैं, आप देख सकते हैं, वो हमारे रिलेटिव ही है। वो हर राज्य के देखने लायक जगह के बारे में एक वीडियो बताया कीजिए यार। ये एक्चुअली जो ये वाला कंटेंट है ये मेरा नहीं है, मेरा ऐसा होता है कि जैसा मैं घूम रहा हूँ, जैसे मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस वन। सो इससे क्या होगा कि पता रहेगा आपको कि नहीं यार इस तरह घूम रहे हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट प्लेस आपको दिखा रहा हूँ दिस टाइम, बाकी हर बार तो ऐसा होता है कि मैं टूरिस्ट प्लेस भी दिखाता हूँ, कैसे आप घूम सकते हो, कैसे जा सकते हो, लेकिन दिस टाइम आई एम डूइंग हिच हाइकिंग, आई एम डूइंग कैंपिंग, आई एम डूइंग मतलब अनएक्सप्लोर्ड, बिल्कुल अनप्लान्ड। आप मानोगे नहीं यार, मैं जब सुबह उठता हूँ मुझे ये सोचता हूँ कि हाँ मुझे आज उस गांव में जाना है, उस ट्राइबल लाइफ में, उस ट्राइबल विलेज को आपको दिखाना है, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया, आधी रात को जो अंधेरा होता है, यहाँ अंधेरा 5 बजे हो जाता है यार, 5 बजे अंधेरा, साला ऐसा लगता है 8 बज गए, तो 5 बजे के बाद
फिर अंधेरा हो गया और हमारी टेंशन शुरू भाई। अब क्या करेंगे भाई, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे भाई, कोई प्लान नहीं होता हमारा, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल अनप्लान्ड है, पता ही नहीं रहता यार कि कैसा। तो इस तरीके से ये, लेकिन फिर भी कहते हैं ना यार, भगवान हमारे साथ है और हमारा सोने का इंतज़ाम, हमारा खाने का इंतज़ाम भगवान कर देता है। तो बस सोने का इंतज़ाम हमारा कहीं ना कहीं हो जाता है। कहाँ कहाँ हम सोए यार, आपको क्या बताएं, रेलवे स्टेशन पे, पुलिस पुलिस थाने में, BSF के भाई कैंप में, पता नहीं कहाँ कहाँ यार, क्या क्या हमारे साथ हुआ है रियली, आप मैं बता नहीं सकता। अभी व्लॉग्स आएंगे, व्लॉग्स में आप देखना, आपको पता चलेगा कि यार किस तरह का कर रहे हो भाई तुम। कई लोग मुझे बोलते हैं भाई तुम तो यार इंटरनेशनल घूमते हो, तुम तो होटलों में रहते हो, फ्लाइट में घूमते हो, ये क्या मतलब, कैसे हिचाइकिंग वगैरह, कैंपिंग वगैरह। मैंने कहा नहीं यार, मुझे शौक है, मुझे एक बार ये करना है। कहते हैं ना कभी कभी अपने खुद को प्रूव करना पड़ता है कि आई कैन डू इट और नॉट, तो मैंने ये सोचा मुझे प्रूव करना है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो यही चीज़ मैं करने के लिए इस बार नॉर्थ ईस्ट 50 दिन के लिए निकला हूँ। हालांकि 50 दिन मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने का मेरा ये ट्रिप है, इतना बड़ा ट्रिप है। मेरी फैमिली, चलो मेरे को सपोर्ट करती है यार, इसलिए वो मेरा पीछे मेरा बिजनेस देख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम भी हो रही है, मेरा नुकसान भी बहुत कुछ हो रहा है पीछे शॉप पे, लेकिन भाई कौन परवाह करता है यार इस चीज़ की, मैं तो नहीं करता भाई, मुझे पैसे का उतना नहीं है यार, बस लाइफ को अच्छे से जियो यार, जो आप चाहते हो वो आप करो, बस घूमो यार, ट्रैवल करो, ट्रैवल लाइफ जो होगी ना वो आपको जो एक्सपीरियंस देगी ना भाई, ज़िंदगी में आपको वो एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा। और एक ट्रैवल लाइफ ही है जब आपको पछतावा नहीं होगा, आप कितना भी ट्रैवल पे खर्च कर दोगे ना, आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि बदले में आपको भाई मेमोरीज मिल रही है, आपको वो मेमोरीज मिल रही है जो भाई पैसे देने से नहीं मिलती है, वो मिलती है घूमने से, जिगर खोलने से कि आपको जाना है। और डरो मत यार कहीं भी जाने से, डरना नहीं है आपको, जहाँ आपको जाना है वहाँ के भाई व्लॉग्स देख लो, गूगल पे उसकी थोड़ी रिसर्च कर लो, तो वहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। मोस्टली जाने के लिए क्या होता है भाई, हमको कहाँ रहना है, हमको कहाँ खाना है और हमको कैसे घूमना है, यही चीज़ होता है ना भाई। और या फिर वीज़ा वगैरह कोई फॉरेन कंट्री जाते हो तो वो चीज़ भाई बहुत ईजी है यार, ट्रैवल बहुत ईजी है, इसीलिए कहता हूँ जब रिसर्च करो, ब्लॉग्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा देखो, तो आपको नॉलेज मिलेगा और फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बोलोगे यार नहीं भाई मैं जापान जाऊँगा भाई, मैं वहाँ जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा। ऑफ कोर्स यार, यू कैन ट्रैवल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। यस यस, इट शुड बी जस्टिफाइड यार, बहुत मुझे भी दुख हुआ यार सच में आज, कि ये जो हुआ कल रात को बहुत बुरा गलत हुआ यार। भाई पंकु लव यू, मस्त काम कर रहे हो, थैंक यू भाई यार। किया सर, मैं भी आपके साथ ट्रैवलिंग करने का मौका मिल सकता है इन फ्यूचर, हु नोज़ यार, शायद मिल जाए, सम सिचुएशन माइट बी टेंस बिकॉज ऑफ किलिंग, या ऑफ कोर्स यार, बहुत बहुत दुख हुआ उसके लिए यार, आई एम रियली सॉरी यार, उसके लिए दुख होता है बहुत। कौन से कोपचे में हो आप भाई? यही है यार कोपचा, अपना भाई मेरा घर है ये, इसको खोपचा मत बोलो यार, इट्स माय होम, यू नो, या इट्स माय होम, ये मेरा घर है, ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है भाई, सब कुछ मेरा ये है 2 महीने के लिए। सर मैं अभी राजस्थान पाली से हूँ, आपका मेरा सेम कॉस्मेटिक का शॉप है। ओ दैट्स गुड यार, बढ़िया है आपका पाली में अगर बिजनेस है कॉस्मेटिक का, तो ऑल द बेस्ट ब्रो, थैंक यू यार। कभी मणिपुर में मिलेंगे, श्योरली श्योरली यार, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, भाई लोग बहुत से लोग हैं यार जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है मुझे, कहने को भाई अपने पास यूट्यूब पे 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन इंस्टाग्राम पे भाई सिर्फ 1300 सब्सक्राइब 1300 फॉलोवर है, ऐसा क्यों यार? प्लीज़ प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ताकि आपको पता रहेगा मैं लाइव स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ वहाँ पे, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका, जो कुछ ऐसे फुटेज है जो मैं शायद यूट्यूब पे भी नहीं डालता हूँ, मैं वो भाई इंस्टाग्राम के थ्रू आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ और आपके साथ बात कर सकता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। सो दिस इज़ भाई, ये कम क्यों हो गया, इसको तेज करते हैं वापस से, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस, गुड जॉब, थैंक यू भाई। या आई ऑलरेडी टोल्ड, बहुत
this accident was very very wrong, very wrong. But I don't know the proper information about that because YouTube पे उस पर नहीं है यार, इतनी न्यूज़ कवर वगैरह भी नहीं हुआ है, तो आई कॉन्ट से एनीथिंग. बट हाँ, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ. आई ऑलरेडी फॉलोड यू ऑन इंस्टाग्राम. ओके, थैंक यू भाई. तो आप सब इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो और सपोर्ट करो भाई को, वीडियोज़ को शेयर करो. एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे जो सीरीज़ है, अगर आपने मणिपुर की सीरीज़ नहीं देखी, नेपाल की सीरीज़ नहीं देखी, और अगर आपने ये सिक्किम या फिर ये त्रिपुरा की सीरीज़ नहीं देखी है, तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल पर जाओ, सीरीज़ एक बार शुरू से देखो. आप शुरू से सीरीज़ देखो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, काम करते हो भाई, वीडियोज़ आप चला दो और वीडियोज़ देखते रहो, आप काम करते रहो. प्लीज़ प्ले लिस्ट से आप ये पूरे वीडियोज़ देखो आप मेरे, तो उससे क्या होगा कि मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी और वापस से अपनी फैमिली में और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ेंगे और हम जल्दी से जल्दी यार 30,000 सब्सक्राइबर भी अपने हो जाएंगे यार. मतलब ये जो सक्सेस है ना, ये सिर्फ मेरी नहीं है यार, ये आप सब लोगों की है कि नहीं? तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली है भाई, मिस्टेक हो गया, लेकिन गलत. यस यार, कोर्स यार, बहुत गलत. भाई अभी कहाँ एक्सप्लोर करने वाले हो आगे? तो भाई देखो, अभी नागालैंड को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, उसके बाद भाई फिर हम आगे जाएंगे. अरुणाचल प्रदेश जाने का प्लान है. मैं आपको फिलीपींस गया तब से देख रहा हूँ आपकी वीडियोस. थैंक यू यार, आपका सपोर्ट ही चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं. तो चलो यार, आई थिंक बहुत टाइम हो गया है इस लाइव सेशन को, अभी इसको ख़त्म करते हैं. और बस सपोर्ट करो मुझे, प्यार दो मुझे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और मेरी सारी सीरीज़ जो है वो आप एक बार देखो यार, सीरीज़ पूरी है ना. तो चलो यार, मिलते हैं बहुत जल्द YouTube पे नागालैंड सीरीज़ अब स्टार्ट कर दूंगा मैं, और वीडियोस टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलेंगे, जल्दी वीडियोस मिलेंगे. देखना ज़रूर, बस पीछे मत रहना, ठीक है ना? कंपटीशन चल रहा है, आप जल्दी देखते हो या मैं जल्दी अपलोड करता हूँ. व्हेन यू विल ट्रैवल नेपाल अगेन? आई डोंट नो यार, नेपाल मुझे कालीन चौक जाना है, मेरा कालीन चौक बहुत मन है जाने का, जाएंगे कभी ना कभी. सो यार चलो ख़त्म करते हैं इस लाइव सेशन को इधर ही. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने ज्वाइन किया. यू ऑल आर माय फैमिली, यू ऑल आर माय फ्रेंड्स. प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, और कीप ट्रैवल एंड कीप एंजॉय योर लाइफ. यार इस बारे में पता है, लोग बहुत मुझे कमेंट करते हैं कि भाई तुम गलत बोलते हो, ये होता है कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग. बट भाई अपन ना, मेरे को इंग्लिश नहीं आती यार इतनी, ठीक है ना? तो मैंने तो ये डायलॉग अपना बना लिया है और मैं यही डायलॉग बोलूँगा आगे तक भी. सो कुछ अलग होना चाहिए ना यार, परफेक्ट तो क्या मतलब, अपना ऐसे ही चल रहा है काम यार, आप समझ रहे हो. बस दिल में क्या है, भावनाओं को समझो यार, वर्ड्स में क्या रखा है. तो इसीलिए हम तो यही बोलेंगे यार, कीप ट्रैवल एंड कीप एंजॉय योर लाइफ. बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आई लव यू ऑल ऑफ यू गाइज, बाय बाय.